मैं आंदोलन से निकला हूं, मैं डीएवी कॉलेज छात्र संघ का महामंत्री रहा हूं, अध्यक्ष रहा हूं। मैं छात्र हितों के लिए मैंने जेलें काटी हैं, मेरे हाथ में पुलिस के द्वारा राट तोड़ी गई है जिसमें राट पड़ी है। कानपुर में सीसामऊ विधानसभा की उपचुनाव में बीजेपी ने इस बार अपने पुराने कार्यकर्ता छात्र नेता सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। ये सीट 7 बार से समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, मानी जाती है उनकी विरासत की सीट है। इरफान सोलंकी जो विधायक थे वो जेल गए, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को सपा ने टिकट दिया है, लेकिन इस बार बीजेपी ने फिर अपना एक तुरुप का इक्का फेंका है सुरेश अवस्थी को। सुरेश अवस्थी इसके पहले यहाँ से चुनाव लड़े थे और इरफान सोलंकी से 5600 वोटों से हारे थे, तो ऐसे में अब सुरेश अवस्थी जी यहाँ फिर हैं, आज उनको टिकट मिली है, तो कार्यकर्ताओं का जोश आपको दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ। कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं, उनको लगता है कि युवा कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है और इसलिए ये सीट शायद बीजेपी पूरे जोश खरोश से लड़ना चाहती है। अब सुरेश अवस्थी जी से बात कर लेते हैं। सुरेश जी, आपको दोबारा यहाँ बीजेपी ने उतारा है, क्या सोच के उतारा, कैसे? मैं सबसे पहले तो प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को और क्षेत्र और जिला नेतृत्व को, हमारे अपने माननीय सांसद जी को, विधायकों को और यहाँ के एक एक कार्यकर्ता माननीय पार्षदों को, सबको मैं बधाई देता हूँ, मंडल अध्यक्षों को बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट का निर्धारण करती है। जिस तरीके से जनता ने हमारे प्रति आशा और विश्वास जताया था, मुझे लगता है वो सारी चीज़ें एक कार्यकर्ता में देखी पार्टी ने और मुझको उस पर विश्वास जताया। मैं निश्चित तौर से उनके 2017 में जो कमियां रह गई थी उस कमी को मैं पूरा करूँगा। कानपुर में कई प्रत्याशियों के नाम थे, बड़े जोर शोर से चल रहे थे, आप छात्र नेता रहे हैं, युवा भी हैं काफ़ी, तो क्या लगता है युवाओं का काफ़ी जोश खरोश आपके साथ रहेगा? देखिए, मैं आप जानते हैं मैं आंदोलन से निकला हूँ, मैं डीएवी कॉलेज छात्र संघ का महामंत्री रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ। मैं छात्र हितों के लिए मैंने जेलें काटी हैं, मेरे हाथ में पुलिस के द्वारा राट तोड़ी गई है जिसमें राट पड़ी है, क्योंकि आंदोलन से निकलने वाला व्यक्ति निश्चित तौर से संघर्ष का पर्याय बनता है। मैं जनता की सेवा, पहले छात्रों की सेवा करता था, फिर पार्टी की सेवा किया, अब जनता की सेवा मैं कर रहा हूँ। मुझे मालूम है सीसामऊ की जनता हमें बहुत स्नेह करती है और निश्चित तौर से हमें आशीर्वाद देके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जिताएगी। पिछली बार जिन इरफान सोलंकी से, जो जेल में बंद है, सजा हुई है, उनसे रनर रहे थे, उनकी पत्नी को टिकट दिया है सपा ने, तो नसीम सोलंकी को, अब आपको लगता है वो जा रही हैं जनता के बीच में ये कह करके कि मेरे मुझे पति के साथ न्याय नहीं हुआ है, मुझे न्याय चाहिए, तो आपको लगता है एक महिला से टक्कर कैसी बराबर की रहेगी, क्या रहेगी? देखिए, वो मेरी छोटी बहन के बराबर है, मैं उसका हृदय से सम्मान करता हूँ। एक जगह मुझे मिली थी सपा की, वो रास्ते में मिली तो मैंने उसको बधाई भी दी, लेकिन आशीर्वाद उसने जब मुझसे मांगा तो मैंने कहा मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जो भी मेरी बहन है मैं उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो भी नेता है वो गुंडा है। जिस तरीके से उस गुंडे को उत्तर प्रदेश की सरकार ने जेल में डाला है, कानून अपना काम कर रहा है। मैं एक ही बात उस बहन से कहूँगा कि ऊपर वाले के पास जाओ और उसके जो किए गए दुष्कर्म हैं उसकी माफ़ी मांगो और आने वाले जीवन में उसका जीवन अच्छा बीते, इसकी परिवार के बीच में कल्पना करनी चाहिए। तो ये निश्चित मान रहे हैं कि इस बार 8वीं बार बीजेपी समाजवादी पार्टी से वो सूखा खत्म करेगी? 100% खत्म होगा, 100% किसी भी कोने में आप जाके देख लीजिए खत्म होगा। ये है सुरेश अवस्थी, जिनको टिकट मिला है, कार्यकर्ताओं का बड़ा जोश है, धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से जब बीजेपी की तरफ से किसी को टिकट मिले, काफ़ी देर से मिली है, एक दिन लास्ट नामांकन का बचा हुआ है, ऐसे में सुरेश अवस्थी जी को टिकट मिली है, वो यहाँ पहले चुनाव लड़ भी चुके हैं, कार्यकर्ताओं के बीच उनकी समायोजन भी है अच्छा खासा, इसीलिए कार्यकर्ताओं का जोश देख रहे हैं आप। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी ने जिसको टिकट दिया है नसीम सोलंकी को, उस परिवार से जिसके पास आठवीं बार उसके परिवार का कोई विधायक बनने जा रहा है, लगातार 7 बार से उनके परिवार में सीट थी, सुरेश अवस्थी अपनी युवा शक्ति के द्वारा बीजेपी की उस सूखा को कैसे खत्म कर पाएंगे, ये देखना होगा। मतदान होगा, मतदान के बाद रिजल्ट होगा, मतगणना होगी और जब निकलेगा तो जीत का सेहरा किसके बंधेगा ये तो पता नहीं, लेकिन हर प्रत्याशी जीत के दावे जरूर करता है। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।